प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती विकास प्रोग्राम के संबंध में बैठक की है। उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों की आजीविका और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके लिए उस क्षेत्र में उपलब्ध कृषि जलवायु की परिस्थितियों और विपणन साथ ही कई अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए शुरुआत की जाएगी। इस कार्य योजना में उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि बागवानी फसलों को बढ़ावा देने वाली संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। बैठक में कहा गया है कि पलायन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती विकास प्रोग्राम से संबंधित कार्य योजना के अंतर्गत संबंधित क्षेत्र में 1 से लेकर 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल को शामिल किया जाएगा। इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी पालन साथ ही मधुमक्खी पालन योजना आदि इसमें शामिल की जाएंगी। ये भारत सरकार ने कुछ सूचनाएँ मांगी थी ताकि जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं जिनकी सीमाएं दूसरे देशों से लगी हैं वहाँ पर एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं वहाँ के एग्रोक्लाइमेटिकल कंडीशन को देखते हुए ताकि वहाँ से पलायन को रोका जा सके। क्योंकि विगत दिनों मेरे द्वारा भारत सरकार में जब कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी तो हमने इस बात को काफ़ी उससे उठाया था कि जो बॉर्डर एरियाज हैं उनका पलायन देश के लिए सामरिक दृष्टि से बात करना है क्योंकि बॉर्डर खाली होंगे तो कहीं ना कहीं इससे देश को नुकसान होगा। तो भारत सरकार ने उसी संबंध में सूचनाएं मांगी थी कि जिसमें हमारे पिथौरागढ़ जनपद के 4 ब्लॉक्स, उत्तरकाशी जनपद का 1 ब्लॉक और चंपावत जनपद के 2 ब्लॉक, चंपावत और लोहाघाट, ऊधम सिंह नगर जनपद का 1 ब्लॉक, खटीमा ब्लॉक और चमोली जनपद का जोशीमठ ब्लॉक, ये ब्लॉक जो कि जिनकी सीमा जो दूसरे देशों की सीमाओं से जुड़े ब्लॉक हैं इनमें करीब 1 से 10 किलोमीटर तक के जो गाँव हैं उनमें वहाँ की एग्रोक्लाइमेटिकल कंडीशंस के हिसाब से किस तरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं ताकि वहाँ पर माइग्रेशन रुके, तो इसको लेकर के चर्चा थी। तो इसमें हम लोगों ने तय किया, जिस तरह हमारा एक आईएमए विलेज एक कंसेप्ट है जिस जो अभी इस राज्य में हमने लॉन्च किया, तो हमारा चाहना ये कि आईएमए विलेज की तर्ज पर ही इन सभी आईएमए विलेज इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम, जिसमें किसान को कृषि के साथ साथ जो अलाइड सेक्टर है मसलन पशुपालन है, डेयरी है, बकरी पालन है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, तो तमाम इंटीग्रेटेड कंसेप्ट पर जिसमें एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर दोनों को मिला करके किसान की आय को आर्थिक रूप से उसको मजबूत करने के लिए जो हमने ये कंसेप्ट दिया, तो एक हमारे भारत सरकार का हमारा सबमिशन ये है।